नेशनल कैडेट कोर एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट यानी एनसीसी में भर्ती लेने के लिए आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग फुल प्रोसेस जानेंगे, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी को फॉर्म ये फिलअप करना होता है, और कहाँ पर क्या फिलअप करना होता है काफी लोगों को समझ नहीं आता। तो आज के वीडियो में आप लोग को मैं पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रोसेस। तो सभी को जय हिंद। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर है, आप तेजस एनसीसी आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एनसीसी की सारी आपको परफेक्ट जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो चलिए हम लोग अभी के वीडियो में हम लोग फॉर्म फिलअप का पूरी जानकारी लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले ऊपर में आपको दिख रहा है नेम, यानी यहाँ पर जिनके नाम से, अगर आपके नाम से बैंक अकाउंट है क्योंकि आपको बैंक अकाउंट देना होता है पासबुक का फोटो वगैरह, तो अगर आपके नाम से बैंक अकाउंट है जिनको एनसीसी में एडमिशन लेना है तो आप अपना यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पे बैंक के ब्रांच का नाम, यहाँ पे बैंक नेम, यहाँ पे अकाउंट नंबर, और यहाँ पे आईएफएससी कोड। अभी मेन इधर फॉर्म फिलअप शुरू होगा, ठीक है। सारा डिटेल, फर्स्ट व्हाट इज योर नेम यानी आपका नाम क्या है, आप यहाँ पे अपना स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का नाम, ठीक है, स्टूडेंट। व्हाट इज योर पेरेंट्स गार्जियंस यानी आपके पिताजी का विवाह का नाम, तो यहाँ पे आप पिताजी का अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, फादर्स नेम। और यहाँ पे नीचे में एड्रेस दिया तो अपने पिताजी का एड्रेस लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिताजी का नाम है, उनका एड्रेस, यहाँ पे उनका एड्रेस होगा। थर्ड, क्या आप भारतीय या नेपाली निवासी हैं, तो यहाँ पर आपको थर्ड में यस लिखना है, ठीक है, यस। फोर्थ, आपके गांव, तहसील और जिले का नाम यानी आपका विलेज, तहसील यानी प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपका गांव जो भी होगा यहाँ पे गांव का नाम, आपका प्रखंड जो भी होगा उसका नाम, और यहाँ पर आपके जिले का नाम, और नीचे में पिन कोड मांगा तो यहाँ पे पिन कोड लिख दीजिएगा अपना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है आपका डाक खाना यानी व्हाट इज योर पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, अगर आपके गांव में तो गांव का नाम, या फिर आपका पोस्ट ऑफिस जहां पे पड़ता है उस जगह का नाम फिफ्थ में। अब सिक्स्थ, आपका रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो आपका जो भी सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है उसका नाम सेवन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अभी एट से करना है ना, तो एट में क्या है आपका एज कितना है और डेट ऑफ बर्थ लिखे, तो यहाँ पर आप अपना एज लिखेंगे, मतलब जैसे मैं अपना बोलूँ तो तेजस का भी एज है, जैसे 99 से काउंट किए तो 22, चलिए 23 साल, तो मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा 23 ईयर्स। एंड मेरा डेट ऑफ बर्थ जितना है उतना, जैसे 10/1/1999, तो इस तरह से लिखना, ठीक है। यहाँ पे पहले एज लिखेंगे फिर डेट ऑफ बर्थ। क्वेश्चन नेक्स्ट नाइन में है कि आपको कभी क्रिमिनल कोर्ट से, मतलब किसी केस में आप फंसे हुए हैं, तो यहाँ पर नाइन्थ में आपको नो भरना है, ठीक है, नाइन्थ में नो सभी लोग को। 10 में, वर्तमान में आप किस कॉलेज में या फिर स्कूल में पढ़ रहे, जैसे मैं एसडी जैन कॉलेज से हूँ, तो अपने कॉलेज का नाम ध्यान रहे, अपने कॉलेज का नाम है, मैं अपना कॉलेज नहीं लिखूंगा नहीं तो आप लोग फिलअप कर देंगे, कॉलेज नाम, कॉलेज का नाम, ठीक है। फिर 11 में, क्या आप राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के अंतर्गत नामांकित होना चाहते हैं, तो यस। 11 नंबर में सब लोग यस लिखेंगे। अब 12 में, आप कौन सी यूनिट में नामांकित होना चाहते हैं, तो आपका जो एनसीसी बटालियन होगा, जैसे मेरा बटालियन है 5वीं बटालियन एनसीसी है, तो मैं इसमें वो फिलअप करूंगा, यहाँ पे आपका बटालियन का नाम, ठीक है, एनसीसी बटालियन का नाम यहाँ पे फिलअप कीजिए 12 में। 13 में है, क्या आप निर्धारित अधिनियम और नियमों के अंतर्गत सेना प्रशिक्षण, तो इसमें आप 13 में यस लिखेंगे कि हाँ हम नियम के अनुसार सेना की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। 14 में है, निर्धारित नियम के अनुसार जब तक कार्यभार से मुक्त नहीं किया जाए, मतलब आपको जब तक एनसीसी में, अगर ऐसे 3 साल की कोर्स होती है कॉलेज में और स्कूल में 2 साल की, तो जब तक आपको एनसीसी बटालियन से ये नहीं बोला जाए कि हाँ आप अब एनसीसी से मुक्त हो गए तो आप सेवारत रहेंगे, मतलब एनसीसी करेंगे, तो इसमें भी आप यस लिखेंगे 14 में। 15 में है, क्या अधिनियम के तहत आपने पहले कभी नामांकन के लिए आवेदन किया है, अगर आपने ए सर्टिफाइड किया तो यहाँ पे यस लिखिएगा, अगर नहीं किया मतलब पहले भी एनसीसी की हो तो यस, अगर नहीं तो नो लिखिएगा, ठीक है। 16, चलिए नेक्स्ट करते हैं, अब आगे 16 में, क्या आपको कभी एनसीसी या फिर किसी डिफेंस यानी सेना से बर्खास्त यानी आपको डिसमिस किया गया है, तो इसमें 16 में सभी को नो भरना है। 17 में, नेक्स्ट ऑफ कीन विथ एड्रेस, मतलब आपका सबसे निकटतम संबंधी जो है उनका एड्रेस के साथ, फिर उनका टेलीफोन नंबर भी लिखना है, ठीक है, तो आप अपने यहाँ पे पापा या मम्मी का नाम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, सन ऑफ जिसके आप लड़के उनका नाम लिख देंगे, और फिर उनका रिलेशनशिप पूछ रहा है तो आप इधर ब्रैकेट में लिख देंगे, पिताजी का लिखेंगे तो फादर, माताजी का लिखेंगे तो मदर, ठीक है, ध्यान रहे। उसके बाद फिर आप लिख देंगे मोबाइल नंबर यहाँ पे, और नीचे में यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यानी जिनको एनसीसी लेना है उनका साइन, यहाँ पे
स्टूडेंट का साइन होगा, ठीक है, स्टूडेंट का साइन होगा, ध्यान रहे। और यहाँ पे प्लेस जहां पे आप फॉर्म फिलअप करें, मतलब जहां पे आपका एनसीसी यूनिट है उसका, और डेट यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, डेट जिस दिन फॉर्म सबमिट होता है उस दिन का लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पेज टू पर आप आइए, भर्ती के लिए स्वीकृत होने पर हो जाने पर घोषणा, मतलब यहाँ पर आपका और आपके पिताजी का यानी आपके गार्जियन का घोषणा प्रमाण पत्र है कि हाँ आप इच्छुक हैं। तो यहाँ पर मैं वादा करता हूं कि मैं ईमानदारी पूर्वक, मतलब यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पर कैडेट का नाम, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में यहाँ पर लिखेंगे, इंग्लिश में यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम, ठीक है, स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर भी हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। यहाँ पर फिर से आपको अपना ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, बढ़िया से पूरा वीडियो देख लीजिएगा, फुल प्रोसेस बता रहा। फिर नेक्स्ट नीचे में आपको यहाँ पे साइन करना है, स्टूडेंट का साइन, ध्यान रहे, अच्छे से आपको बता रहा सारा एक एक करके, ठीक है, फिलअप करके। फिर से आप प्लेस भर देंगे, डेट छोड़ दीजिएगा। अब नीचे में आपके गार्जियन का स्वीकृत पत्र है, तो यहाँ पे अपने पिताजी का नाम या फिर माताजी का नाम, ठीक है, यहाँ पे फादर या फिर मदर, और यहाँ पे अपने पिताजी से साइन करवा लीजिएगा, ठीक है, फादर पिताजी का साइन। नीचे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, इसमें आपको कुछ नहीं फिलअप करना है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, इसको खाली छोड़े, ये ऑफिस के लिए, ठीक है, खाली छोड़े। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, सेक्शन टू, ये आपके कॉलेज के लिए, ठीक है, ये वाला आपका कॉलेज स्कूल के लिए, ध्यान रहे, क्योंकि आप आपके एएनओ सर या फिर आपके प्रिंसिपल यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक। नीचे सेक्शन थर्ड, ये यहाँ पर आपके पिताजी साइन करेंगे, ठीक है, आई एम विलिंग टू अलाउ माई सन डॉक्टर, मतलब मैं अपने बेटा और बेटी को इसके लिए परमिशन देता हूँ एनसीसी के लिए। तो यहाँ पर नाम आपका ही होगा, ठीक है, यहाँ पे नाम आपका होगा, मैं अपने पुत्र पुत्री आश्रित नाम, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम, ध्यान रहे, स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे प्लेस लिख देंगे। और फिर यहाँ पे नीचे में आपके पिताजी का साइन होगा, फादर, यहाँ पे लिखा हुआ है फुल सिग्नेचर ऑफ फादर मदर गार्जियन, और फिर एड्रेस भी विद कंप्लीट एड्रेस, तो यहाँ पे उनका एड्रेस होगा, ठीक है, गाँव का नाम जो भी है। उसके बाद नीचे में अभी यहाँ पे देखिए काफी लोग इसमें फंसते, विटनेस में, गवाह में, विटनेस वन या पे विटनेस वन, यहाँ पे विटनेस मांग रहा फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑफिस सील ऑफ द विटनेस, यहाँ पे सेम नीचे में दिया गया कि आप किनका यहाँ पे साइन करा सकते हैं, द विटनेस शुड बी आइदर राजपत्रित अधिकारी, आपके एनसीसी के कोई अधिकारी हो, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, एएनओ सरपंच, विलेज हेड, जैसे कि आप अपने सरपंच से भी करा सकते हैं किसी एक में, सरपंच जी से, ठीक है, सरपंच, या फिर वार्ड से, आपके जो भी वार्ड होंगे, ठीक है, वार्ड से भी करा सकते। इसके बाद यहाँ पे एक में सरपंच, वार्ड या फिर मुखिया, ठीक है, तीनों में से किसी से करा लीजिएगा, एक में, विटनेस वन में। और यहाँ पे जो विटनेस वन है इसमें आप या तो अपने एनसीसी टीचर से या फिर अपने प्रिंसिपल से, ठीक है, एनसीसी टीचर यानी एएनओ, बताया ना आपको फुल फॉर्म, एनसीसी टीचर या फिर प्रिंसिपल, दोनों में से किसी से साइन कराएगा आप, ठीक है, एक में सरपंच, वार्ड या मुखिया, या फिर एक में एनसीसी टीचर और प्रिंसिपल। नेक्स्ट है सेक्शन फोर, तो इसमें आपको खाली छोड़ देना है, आपका फॉर्म का पैसा जितना लगेगा उतना इसमें फिलअप करेंगे, ठीक है। फाइव में ये आपको छोड़ देना है, ये ब्लैंक छोड़ना है, ब्लैंक छोड़िए, ये ऑफिस के लिए, एनसीसी ऑफिस। नेक्स्ट आते हैं नॉमिनेशन फॉर्म, इसमें आपको जो इनको एनसीसी लेना है उनका पूरा डिटेल इसमें फिलअप करना होता है, एनसीसी कैडेट का, ठीक है, तो ध्यान दें आई कैडेट नेम इन ब्लॉक, और फॉर्म कभी भी ब्लॉक लेटर में भरते, जैसे मेरा नाम तेजस है तो इसमें हम अपना नाम तेजस लिख देंगे, आपका जो नाम होगा लिखिएगा, ठीक है, मतलब इसमें स्टूडेंट का नाम, ध्यान रहे, तेजस नहीं, स्टूडेंट का नाम लिखना अपना। उसके बाद सन डॉटर ऑफ, इसमें अपने पिताजी का नाम, फादर नेम। नेक्स्ट आप अभी किस क्लास में हो, जैसे आप अभी आप इलेवेंथ में हो, टेंथ पास करके इलेवेंथ में, तो आप इसमें इलेवेंथ, ट्वेल्थ में तो ट्वेल्थ, नाइन्थ में तो नाइन्थ, ठीक है, यहाँ पे ऑफ नेम ऑफ कॉलेज स्कूल, किस स्कूल कॉलेज हो, इसमें स्कूल कॉलेज का नाम। उसके बाद नेक्स्ट विद नेम ऑफ द यूनिट, यहाँ पे एनसीसी बटालियन, यूनिट मतलब बटालियन, ठीक है, इसमें एनसीसी बटालियन का नाम, ध्यान रहे। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑफ द नेशनल कैडेट कोर वेलफेयर सोसाइटी एंड हियर बाय सब्सक्राइब सम ऑफ, आप कितना रुपया यहाँ पर देते हैं, तो जितना पैसा आपका लगेगा इतना फिलअप करेंगे, ठीक है, 80 रुपये या 20 रुपये वैसे लगता है। उसके बाद नीचे आइए टू में, ये फर्स्ट था, अभी टू में आते हैं, इसमें आपको लिखना होता है कि आपके पिताजी का क्या रोजगार है, मतलब कौन सा ऑक्यूपेशन करते, अगर खेती करते तो एग्रीकल्चर,
जॉब करते गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब, टीचर है तो गवर्नमेंट टीचर, या फिर बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन, ठीक है इसमें। और इसमें आपको फिर उनकी आय लिखनी है कि प्रतिवर्ष उनका आय कितना है, ठीक है। इनकम, अर्ली इनकम लिखना है, एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम आपका जितना होगा देख लीजिएगा, जितना आपका आय बनता होगा, ठीक है, घर का उतना लिखिएगा, ठीक। पिताजी से पूछ लीजिएगा, 70-80 हजार है तो 80 हजार, 1 लाख है तो 1 लाख। उसके बाद इधर कुछ नहीं करना है, उसके बाद नीचे आइए फोर में, उसके बाद फोर में आइए, इसमें आपको नॉमिनी में नाम देना है। मान लीजिए एनसीसी करते वक्त आपको किसी प्रकार से दुर्घटनावश आपको चोटें आ जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, या फिर आप विकलांग हो गए, ठीक है, तो इसमें आपको उसके लिए आपके फैमिली को पैसा मिलता है। तो आप इसमें अपने एक में पिताजी का नाम, ठीक है, सेकंड में माता जी का नाम, दोनों का डाल दीजिएगा। यहाँ पे उनका आयु, पिताजी का आयु, माता जी का आयु, यहाँ पे फादर, फादर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे उनका नाम, यहाँ पे रिलेशनशिप बताना है, तो पिताजी है तो फादर, माता जी है तो मदर। उसके बाद एड्रेस, अपने गांव का नाम, केवल गांव का नाम, ठीक है, गांव, गांव नाम, गांव का नाम, ठीक है, माता जी का भी पिताजी का भी। और यहाँ पे परसेंटेज, तो दोनों को 50-50% कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर केवल पिताजी को देना है तो 100%, माता जी को तो केवल 100%, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर स्टूडेंट का साइन होगा, स्टूडेंट का साइन होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेस लिख दीजिएगा, डेट खाली अभी छोड़ देना। उसके बाद आते हैं, ये मेडिकल वाला है, ठीक है, ये मेडिकल फॉर्म है, तो इसमें आपको बस अपना नाम, ठीक है, स्टूडेंट्स का नाम फिर कर देना, स्टूडेंट का नाम ब्लॉक लेटर में, ठीक, बाकी खाली छोड़ देना। ये मेडिकल वाले के लिए, और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल यहाँ पे करवा लेंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना साइन करना है स्टूडेंट का, ये एक्सटेंशन फॉर्म होता है, ठीक, कि अगर आप एक बार फेल कर गए तो यहाँ पे खाली छोड़ दें, ये खाली छोड़े, ये ऑफिस के लिए, ठीक है, सीओ साहब के लिए खाली छोड़े। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके पिताजी का साइन होगा, ठीक है, पिताजी या फिर माता जी, जिनका भी कराना है। फिर नीचे आपे आपके हेडमास्टर प्रिंसिपल का, मतलब आपके कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल का, ठीक, प्रिंसिपल का ध्यान रहे। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट फॉर्म पर आते, आइडेंटिटी बॉन्ड, ठीक है, इकरारनामा। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट का साइन होगा, स्टूडेंट का साइन, स्टूडेंट का साइन, ठीक है। ये हिंदी में फॉर्म है बट मैं इंग्लिश वाला अलग से बता दूंगा, ठीक, उसमें ये वाला फॉर्म नहीं होता है। और यहाँ पर विटनेस देखिए, यहाँ पर दो विटनेस होते हैं, यहाँ पर विटनेस कौन होगा भाई? अब पहले तो विटनेस हो गए सरपंच जी और प्रिंसिपल वगैरह, यहाँ पर आपके साथी होंगे, ठीक है, जैसे आपके साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एनसीसी में एडमिशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर किसी एक का और यहाँ पर किसी दूसरे का, ठीक है, जो आपके साथ एनसीसी ले रहे हैं उनका यहाँ पे साइन, नाम और उनके गाँव का मतलब एड्रेस सेम दूसरे का, दो लोगों का यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पर छोड़ देना, यहाँ पे खाली छोड़ देना, ठीक है, यहाँ पे रेजिमेंटल नंबर होता है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स का नाम, और यहाँ पे यूनिट मतलब बटालियन का नाम, पहले बटालियन नेम, फिर ये हाइफन, ये देखे सेमी ये वाला साइन, फिर ग्रुप। आप पता करेंगे अपने एनसीसी टीचर से पूछेगा कि सर हमारा बटालियन किस ग्रुप में आता है, तो अपने यहाँ पे ग्रुप का नाम, ठीक है, ग्रुप का नाम ध्यान रहे। उसके बाद नीचे यहाँ पे पिताजी से साइन कराइएगा, पिताजी का साइन या फिर माता जी का, और उनका नाम यहाँ पे लिखना ब्लॉक लेटर में, और यहाँ पे उनका एड्रेस, ठीक है। तो ये टोटल इतना ही फॉर्म आपको फिलअप करना था, बाकी इंग्लिश वाला फॉर्म मैं आपको फिलअप करके अलग से बता दूंगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना, ठीक है। तो अभी के लिए वीडियो इसीलिए था कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं बता दूं। तो वीडियो कैसा लगा जानकारी आपको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में, ठीक है, नहीं तो फिर इंस्टा आईडी पर। तो और क्लास कंटिन्यू सब लोग करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।